पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अंजू लोचप का लाइन पार स्थित कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया, साथ ही रोड शो निकाला गया। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल, खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता के साथ जिला और महानगर इकाई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की अध्यक्ष के निवास स्थान के स्वागत जुलूस निकालने से पूर्व कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल, गोपाल अंजान, भाजपा महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यालय का शुभारंभ के बाद लाइन पार क्षेत्र से ही स्वागत जुलूस निकाला गया। भाई, हमारी जो अंजू लोचक जी हैं, ये बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, बहुत कार्यक्रमों में भाग लिया है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है ताकि आने वाले टाइम पर संगठन को मजबूती हो और सब लोग एकजुट होकर आगे जो भाजपा की नीति है उनको जनता तक पहुंचाएं। जुलूस महानगर के अनेकों क्षेत्रों से होता हुआ मुरादाबाद के कचहरी रोड स्थित आईएमए भवन में जाकर संपन्न हुआ। स्वागत जुलूस जनसभा में तब्दील हुआ और भारी संख्या में वहां पर महिलाओं और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने गर्मजोशी के साथ अंजू लोचप का स्वागत किया। साथ ही सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने के साथ ही हर महिला की समस्या का समाधान करने के लिए महिला मोर्चा काम करेगा। भाजपा को मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं अपना प्रदर्शन करेंगी, ऐसी आशा की जा रही है। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए अंजू लोचप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा संगठन को मजबूत करने के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी और उनके अधिकार को लेकर ही लड़ाई लड़ूंगी। आज बड़ा देख रहे हैं आप सब, बहनें बहुत खुश हैं। ये सब हमारी बहनों का इच्छा थी शुरू से कि सब जो भी पुरुष लोग आते हैं, बर्फ आते हैं, धूमधाम मनाते हैं, तो हम बहनों का भी अधिकार है। तो आज हम दिखाना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के रूप में, आज हम रैली निकालेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी भाजपा की सरकार में हमारी महिलाएं अपने उतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में। हम यही जाहिर करना चाहते हैं, पूरे शहर को दिखाना चाहते हैं, एक महिला मोर्चा हम सब महिलाओं के साथ खड़ा दिखाई देगा आपको हर जगह। जो भी हमारी निर्बल सबल महिलाएं हैं, उनको हम ये आशा करते हैं कि जो महिलाएं एक मुकाम पर पहुँच गई हैं, कुछ भी उनके पास शक्ति है, चाहे वो शिक्षक के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, हर महिला की हम मदद करना चाहेंगे। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री मदालसा शर्मा, हीरा भारती, विजय लक्ष्मी, सुनीता सैनी, सुनीता शर्मा, ज्योति बंसल, भाजपा महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, पार्षद प्रिया सिंह के साथ और भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारत वर्ष की आबादी में नहीं, दुनिया की आबादी में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। आज मेरी बहन मुरादाबाद महानगर में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनी है, इसलिए हम सब प्रसन्नता है। सभी हम भारतीय जनता पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता अपनी बहन कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी को सारी महिलाओं में काम करते हुए अंजू लोचप और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।